हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ड्राई फ्रूट की आसान और नई बर्फी की रेसिपी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। और भी ऐसी नई और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल राजस्थानी शुद्ध रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट से ये रेसिपी है वो बना के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ एक कटोरी लिया है टुकड़ों में कटे हुए काजू, एक कटोरी मैंने लिया है सनफ्लावर सीड्स और एक कटोरी मैंने ले लिया है कद्दू के बीज और एक कटोरी मैंने नारियल को बारीक टुकड़ों में काट के लिया है और एक कटोरी मैंने लिया है फ्लैक्स सीड्स और एक कटोरी मैंने लिया है किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने एक कटोरी भर के ले लिया है बादाम, जिसको मैंने बीच में से काट के ले लिया था। और यहाँ मैंने आधा किलो लिया है गुड़। आप गुड़ की जगह खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करके लेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच घी। और घी को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। घी के गर्म होते ही हम फ्लेम को कर देंगे धीमी और धीमी फ्लेम में हम अपने जो ड्राई फ्रूट तैयार करके रखे थे वो हम डाल देंगे। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं एक साथ ही भून के ले रही हूँ। आप चाहे तो इनको अलग अलग भी भून के ले सकते हैं। तो मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ कढ़ाई में डाल लिया है। ध्यान रखिएगा कढ़ाई है वो थोड़ा सा बड़ा लेना है जिससे हमारा ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से भून जाए। तो मैंने यहाँ सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ डाल के इसको लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे भून के ले रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है, आप चाहे तो इसे सूखा भी भून के ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक चम्मच घी डाला था और इसको हम एक चम्मच घी में ही भून के तैयार करेंगे। तो मैंने इसको धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट भुना है और ड्राई फ्रूट है वो हमारे अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट है वो हमारे भून के तैयार हो गए हैं। हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद और इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। भून के लेने से ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है एक प्लेट में और अब हम उसी कढ़ाई में एक चम्मच लेंगे फिर से घी और घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हमारा गुड़। गुड़ को मैंने तोड़ के लिया है जिससे हमारा जो चाशनी है वो जल्दी बन के तैयार होगा। तो अब हम इसको धीमी आँच पर लगातार चलाते हुए पकाएँगे। इसका एक चाशनी बना के तैयार करना है तो लगातार चलाते हुए हम इस गुड़ को पकाएंगे। छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुड़ है वो हमारा जल जाएगा। तो मैंने इसको धीमी आंच पे पकाया है। गैस की फ्लेम है वो धीमी रखनी है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि इसमें महंगे ड्राई फ्रूट्स जाएंगे तो जो हमारा बर्फी बन रहा है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 2 मिनट पकाया है और 2 मिनट में गुड़ है वो हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब हम इसको उबलने देंगे। बीच बीच में चलाते रहना है और यहाँ गुड़ में हमारा उबाल आ गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है। गैस की फ्लेम को मैंने फिर से धीमी रखा है, गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। और अब हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। उबाल आने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएँगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये गुड़ है वो जैसे जैसे पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा तो ये जलने का और ज़्यादा चांस रहेगा। तो मैंने इसको बीच बीच में चला दिया है और गुड़ को मैंने 1 से 1.5 मिनट पका लिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि चाशनी हमारा परफेक्ट बना है कि नहीं। तो अब मैंने यहाँ लिया एक कटोरी और उसमें मैंने ठंडा पानी ले लिया है और उसमें हम थोड़ा सा ये गुड़ है वो डाल के देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई में गुड़ है वो जल जाएगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये खींचा खींचा जैसा हो रहा है तो इसका चाशनी है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार नहीं हुआ है। इसका जो चाशनी है वो हम पानी में डालेंगे तो टक करके टूटना चाहिए, इतना इसका हार्ड चाशनी बना के तैयार करना है। तो मैंने इसको फिर से 2 से 3 मिनट और पकाया है और फिर से मैंने इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के इसको थोड़ा सा ठंडा किया है। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का ये टूटने वाला गुड़ का चाशनी है वो चाहिए। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद
और बंद गैस में हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम गैस को बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे और बंद गैस में हम इसको फटाफट से मिक्स कर लेते हैं, नहीं तो ये मिश्रण है वो ठंडा होने के बाद हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने गरम गरम में फटाफट से इसको मिक्स कर लिया है और अब हम फटाफट से इसको निकाल लेंगे कोई भी प्लेट थाली या किसी भी बटर पेपर पे। तो मैंने यहाँ बटर पेपर पर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके रखा था, उसके ऊपर इस मिश्रण को मैंने निकाल लिया है। अब हम बेलन से इस तरीके से इसको बेल लेंगे। तो इसको जल्दी जल्दी बेलना है, नहीं तो ये ठंडा हो गया तो इसके बाद ये बिखरना शुरू हो जाएगा और बेलने में दिक्कत होगा। तो मैंने इसको इस तरीके से बेल लिया है। अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है वो बचा के रखे थे, तो वो ड्राई फ्रूट मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी जिससे देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो इसको अब हम बेलन से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चला देंगे, ये गुड़ के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाले हैं और इसको हाथों से साइड से थोड़ा सा दबा के अच्छे से कर लिया है। और अब हम फिर से इसके ऊपर बेलन चला देंगे जिससे हमारे ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसको काट लेंगे। तो अभी ये हमारा मिश्रण है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, काटने से आपको पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो मैं इसको चकोर शेप में काट रही हूँ, आप अपनी मनचाही कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके इस तरीके के इतने मोटे पीस है वो मैंने काट के ले लिए है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल साइन दे रहा है, जो मूंगफली की गजक बनती है उस तरीके की ये गजक है, वो बन के तैयार हुई है। आप इसको 2 महीने तक भी स्टोर रख करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कितनी क्रिस्पी हमारी ये गजक है, वो बन के तैयार हुई है। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये रेसिपी है वो बना के ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी नई और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल राजस्थानी शुद्ध रसोई को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।